तो आपको कंफर्म एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा कि इसमें गाड़ी मालिक को क्या बचता है अगर वो किसी ड्राइवर भाई से गाड़ी चलवाता है तो। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स बात करता हूँ मैं आज की, तो तारीख है आज अपनी 20 जनवरी 2023। टाइम हो रहा है अभी 9:59, मतलब कि लगभग 10 बजने वाला है बस 1 मिनट बाद। और डिवाइस को ना मैंने कर दिया है ऑन, गैस को करवा लिया है मैंने फुल नहीं करवाई, मैंने अभी केवल 500 की डलवाई है। बिकॉज अगर बाहर की राइड आती है तो फिर रास्ते में जो है 200 की और डलवा लेंगे तो अपनी 700 की कंप्लीट हो जाएगी और सीएनजी फुल हो जाएगी। अगर इनकेस अपनी आउट स्टेशन नहीं आती है दोस्तों तो फिर देखेंगे, तो फिर यही लोकल चलाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। 500 की है भाई, सफिशेंट है, क्योंकि उतना ज़्यादा काम अभी आज आ नहीं रहा है। कल अपनी आउट आई गई थी, आपने देखा ही, बट आज का देखते हैं आज का क्या सीन रहता है। अगर आउट आ गई तो टू गुड है, नहीं आई तो फिर अपन लोग चलाएंगे लोकल हमेशा की तरह। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सीधा स्वरूप नगर की तरफ और करते हैं ड्यूटी को ऑन। नहीं, ड्यूटी ऑन है, करते हैं अपनी राइड का वेट। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वेट मुझे मुश्किल से करना पड़ा केवल 6 मिनट, मतलब 10 बजे मैंने वीडियो बनाई थी, 10:06 हो रहा है और मेरे पास आउट स्टेशन राइड आ चुकी है, लखनऊ की आ चुकी है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, जिनकी आउट स्टेशन आई है ना मैं उनको जानता हूं, मतलब वो अपना यहीं पे पास में ही रहते हैं, तो उन्हीं, हम लोग उनको चाचा चाचा बोलते हैं, तो उन्हीं की राइड आ गई भाई। अभी मैंने फोन किया उनको, हमने कहा चाचा, कहते हैं हाँ, हमने कहा लखनऊ बुक करी, करे हाँ, हमने कहा चाचा हमारे मेरे पास आई, करे अच्छा अच्छा आ जाओ घर। तो बस जा रहे हैं अपने चाचा के पास क्योंकि उनकी राइड ओला से ही आ गई है, तो चाचा से आज ओला वाला बिल लेते हैं, बेहतरीन मजा आएगी भाई साहब आज। मतलब व्लॉग को ना दोस्तों बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और चैनल को अगर आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। और चलते हैं सीधा यहाँ से लखनऊ की तरफ और देखते हैं चाचा का बिल अपने कितना आता है, क्योंकि एक तो चाचा को मैं जानता भी हूँ, सेकेंड चाचा की जो राइड आई है वो आई है ओला से, तो देखते हैं जो है अभी इनका चाचा का अपने कितना बिल आता है, तो चलते हैं सीधा। फ्रेंड्स मैंने ना उनको चाचा को मतलब जो है ड्रॉप कर दिया है और उनका जो बिल आया था वो आया था टोटल 1385 रुपए का, मिनी की राइड थी उनकी। और सेकंड जो अपना ऑपरेटर बिल बना ना वो बना 934 रुपए का, आप जानते ही हैं। और इसके अलावा 100 रुपए का डेली अलाउंस जो कि हमेशा मिलता है, तो हो गया अपना 1034 रुपए का। अब यार मैं चाचा को कहाँ पे लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ ये आशियाने में, जैसे कानपुर में अगर आपने देखी हो एग्जीबिशन लगी हुई है वैसे ही लखनऊ में भी लगने जा रही है, तो वो वहीं पे ही आए हुए हैं। तो फिलहाल उनको मैंने ड्रॉप कर दिया है और मैं निकल चुका हूँ बाहर, अब कहीं पे करते हैं वेट अपनी दूसरी राइड का और देखते हैं कि अपनी दूसरी राइड कितनी देर में आती है दोस्तों। और इसी के साथ ना मैं आपको एक चीज और क्लियर करूंगा दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के मन में ना बहुत सारे सवाल आते होंगे कि अगर हम किसी ड्राइवर भाई से अपनी गाड़ी चलवाते हैं या हम खुद चलाते हैं तो एक्चुअल हमको कितना बचेगा, और अगर हम किसी ड्राइवर भाई से गाड़ी चलवाएंगे अपनी खुद की तो हमको कितना बचेगा। तो उसका कैलकुलेशन ना मैं आज आपको प्रॉपर वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि अगर आप किसी दूसरे से अपनी गाड़ी चलवा रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट कितना अमाउंट बचेगा। अगर आप लखनऊ की, जैसे सपोज आप मान लीजिए इसी वाली ट्रिप का उदाहरण आप ले लीजिएगा, ठीक है, तो आपको कन्फर्म एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा कि इसमें गाड़ी मालिक को क्या बचता है अगर वो किसी ड्राइवर भाई से गाड़ी चलवाता है तो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बाकी जैसे ही मेरे पास राइड कोई दूसरी आएगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहीं से ना अब किनारे कहीं खड़ी कर लेते हैं बिकॉज ये लोकेशन थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे सन्नाटा भी है और परेशान भी कोई नहीं करेगा, तो करते हैं दोस्तों अपनी दूसरी राइड का वेट और देखते हैं राइड अपनी कितनी देर में आती है। तो फ्रेंड्स मैं अभी जा रहा हूँ कस्टमर की लोकेशन पे, अब कस्टमर की लोकेशन पे जाने का मतलब है कि मेरे पास राइड आ चुकी है, तो कानपुर की राइड दोस्तों अपनी आ चुकी है। मात्र आधे घंटे वेट किया मैंने और आधे घंटे के बाद जो है अपनी राइड आ गई कानपुर की, और लगभग आई थी मेरे पास 8.5 किलोमीटर से, तो अभी मैं अराउंड 4 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुका हूं और बाकी का 4 बचा हुआ है, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना बता दूं। देख सकते हैं आप भी स्क्रीन पे अपनी मैंने बोल भी दिया था मैम से कि मैम प्लीज बीच में कैंसिल मत करिएगा, बिकॉज फिर आधा रास्ता आने के बाद फिर अगर कैंसिल, अगर आपको जल्दी हो तो आप मुझसे फोन करके पूछ लीजिएगा मैं कहाँ पहुंचा, क्या पता मैं आने ही वाला हूँ।
तो उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं कैंसिल करूंगी, आप आ जाओ। तो अपन लोग सीधे चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, फिर लेके चलेंगे सीधा कानपुर और देखते हैं मैडम का बिल कितना आएगा। बिकॉज बहुत अच्छा नहीं आएगा क्योंकि ये भी राइड मिनी की ही है, अगर प्राइम की होती तो इसका जो बिल है वो काफी अच्छा आता, बिकॉज मिनी की राइड होने की वजह से बिल वही 13-14-1500 के अराउंड आएगा। बाकी देखते हैं, चलते हैं देखते हैं कितना बिल आता है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए और मैं आपको जैसे ही कानपुर पहुंचता हूँ फिर दिखाता हूँ कि कितना बिल आया मेरा इस राइड का। सो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है अभी ना 3:30 और मैंने ना जो है राइड को कंप्लीट कर लिया है अपनी लखनऊ से कानपुर वाली, कस्टमर को कर दिया मैंने ड्रॉप। और अगर बिल की बात करें दोस्तों तो आप देखिए जो बिल आया ऑपरेटर अपना वो मिला है 970 रुपये का, और प्लस अपना भाई 100 रुपये का डेली अलाउंस आपको पता ही है हर बार ही मिलता है, तो वो मिला के हो गया अपना 1070। और अगर दोनों अप डाउन के बिल की बात करें ना तो वो हो गया अपना 2105 रुपये का दोस्तों। अब अगर हम लोग जो है, पहली चीज़ तो मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा 10-15-20 मिनट आधे घंटे वेट करने के बाद जो है फिर मैं लोकल चलाऊँगा, और क्योंकि अभी तो बहुत सारा टाइम है, मतलब देखते हैं अगर 4-5 राइडें लोकल की हो जाती हैं, क्योंकि गैस भी अभी बची हुई है 700 वाली जो डलवाई थी ना, यहाँ से 500 की डलवाई थी और रास्ते में ना फिर मैंने 250 रुपये की और डलवाई थी, मतलब कि गैस टोटल आज डलवाई मैंने 750 की, बाकी गैस इसमें भी बची हुई है यार कम से कम 2 घंटे, तो अच्छी चलेगी अभी। तो अभी करते हैं दोस्तों लोकल की राइडें। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा था कि अगर यही राइड अगर हमने कोई अपने गाड़ी में ड्राइवर अटैच कर रखा होता और वो मेरी गाड़ी चला रहे होते तो मुझे कितना बचता, जैसे कि 2100 रुपये का अपना ऑपरेटर बना इस राइड का, तो 2100 माइनस 700 रुपये तो आप पहले कर दीजिए जो अपनी गैस लगी, तो हो गया अपना बचा 1400 रुपये। ठीक है, अब उस 1400 रुपये में देना पड़ता हमें ड्राइवर को 400 रुपये। भाई कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर कोई आउट स्टेशन की राइड करता है तो उसको 200 रुपये जाने का और 200 रुपये आने का, मतलब टोटल अप डाउन 400 रुपये चला जाता, तो उस 1400 रुपये में ना अपने को 400 रुपये भी निकालने हैं अगर हम किसी दूसरे से गाड़ी चलवा रहे होते तो वो निकाल के एक्चुअल अगर जो ऑनर की इनकम हम देखेंगे ना कि अगर किसी दूसरे से चलवानी है तो भाई इस वाले ऑपरेटर में दोनों मिनी की राइडें थी, मिनिमम इतना ही बिल बनता है। ठीक है, तो इस वाले में 1000 रुपये बचा है जिसमें कि आपने CNG निकाली और जिसमें कि जो है आपने जिस भाई से चलवा रहे होंगे उसका निकाला। अब आपको 1000 रुपये में आप समझिएगा कि 1000 रुपये में आपको क्या क्या करना है, आपको 1000 रुपये में अपनी गाड़ी की EMI भी देखनी है, आपको उसी 1000 रुपये में हर लगभग साल डेढ़ साल में टायर खराब हो जाते हैं यार भाई, घिस जाते हैं, वो भी करवाने, फिर आपको हर दूसरे महीने सर्विस भी करवानी है, मतलब अकॉर्डिंग टू आपकी गाड़ी कितनी चली है तो वो भी सर्विस भी करवानी है इसी में, तो मतलब कि आप ये समझिए कि बहुत सारे खर्चे अगर ले दे के आप आएंगे तो मतलब उस 1000 में अगर EMI आपकी गाड़ी की बनी सी बात है होगी तो मतलब अब वो सबके अपने अपने खर्चे होते हैं, किसी की EMI 10,000 जाती है, किसी की 15,000 जाती है, किसी की 8 ही जाती है, तो मतलब अगर ऑनर की ये खर्चे तो वो अपना देखेगा, ठीक है कितने क्या हो रहे हैं सबके अलग अलग होते हैं, पर अगर लेकिन खाली हम लोग ये बात करें कि लखनऊ की राइड का अगर मिनी वाला आया कानपुर से और अगर वो दूसरे से चलवा रहा है तो उसको कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा दोस्तों 1000 रुपये, जो कि मैंने पूरा कैलकुलेशन बता दिया, 2100 रुपये का ऑपरेटर जिसमें कि 700 रुपये की गैस बचा, 1400-400 रुपये अपने ड्राइवर भाई का निकाल दिया तो बचा अपना 1000 रुपये, 1000 रुपये बचा। टोल मैंने बता रखा है और है भी कि टोल पार्किंग कुछ भी होगा वो ओला से ऐड होके नहीं आता है, तो वो अपने को एक्स्ट्रा ही लेना है, तो उससे अपना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये मैंने ऑपरेटर और गैस और ये सारा कुछ जो है कैलकुलेशन पूरा उसी अमाउंट का बताया जो हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं किसी अच्छे लोकेशन पर, करते हैं थोड़ी देर वेट और फिर करेंगे ना अपनी लोकल राइड की शुरुआत फिर से। यहाँ पर आउट मैंने बंद कर रखी है, बिकॉज होता क्या है ना कि लोग फर्जी बुकिंग डाल के ना भाई डिवाइस, अभी देखिए 3 दिन मेरा काम नहीं हुआ था फर्जी बुकिंग के चक्कर में, तो आउट स्टेशन मैंने बंद कर रखी है, अब सिर्फ करेंगे लोकल का काम। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अपनी ना 3 राइडें लोकल भी हो चुकी हैं, वो अपनी दोनों आउट स्टेशन लखनऊ का अप डाउन और सेकेंड ये अपनी लोकल की 3 राइडें। और अभी ना शहर में काफी ज्यादा ट्रैफिक है तो इसकी वजह से ना अभी देखूंगा 1-2 राइडें अगर हो पाती हैं तो ठीक है, नहीं हो पाती हैं तो सीधे घर निकल जाऊंगा यार। और बाकी ना अपना टोटल ऑपरेटर बिल की अगर बात करें तो वो हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे 2327 रुपये का। ठीक है, तो मतलब सुबह से लेके अभी तक की जो अर्निंग हुई मेरी वो हुई 2327 रुपये की, जिसमें कि 750 रुपये की मैंने गैस भी डलवाई थी, आपको बताया भी है। ठीक है, तो उसके अलावा आप निकाल लीजिए कितना क्या अपना बचा, आउट स्टेशन आ गई इस वजह से काम वो अपना ऑपरेटर बिल और कमाई सही हो गई, अदरवाइज तो यहाँ पे लोकल में यार उतना अच्छा काम नहीं, क्योंकि 3 राइड मैंने करी है लोकल की और उसी में मुझे समझ में आ गया है कि बिल कितने ज़्यादा बुरे आ रहे हैं आजकल। तो
खैर कोई नहीं, अपने पास तो आउट आ रही है और बाबा की दया से आती रहे तो अच्छी बात है, अपनी कमाई तो होती रहेगी। बाकी काम और अच्छा भी होगा बिकॉज सहालक शुरू हो गई है, लेकिन यार उतनी अच्छी हो नहीं पाई है अभी। मतलब प्रॉपर जो होती है ना, जिसमें कि मतलब बैठने का टाइम नहीं मिलता भाई, तो वो वाली जैसे ही आएगी उसके बाद जो है काम भी अपना उठेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी चैनल को दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।